बिहार में नवगठित बिहार सरकार के दौरान विधान परिषद की कार्यवाही के अंतिम दिन कई ऐसे पल देखने को मिले जब सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मसलों पर एक दूसरे को घेरते हुए दिखे। इसी क्रम में एक बार तब भी हंगामा हुआ जब बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने के बावजूद विधान परिषद में मौजूद रहे। उनके बोलने पर भी सदन में हंगामा हुआ। तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं आपको बता दें कि हंगामा तब और बढ़ गया जब पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने मुकेश सहनी के कुछ राज खोलने की बात कह दी। दरअसल पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने मुकेश सहनी के बोलने का विरोध किया और पूछा कि वो किस हैसियत से परिषद में बैठे हैं, जब वे सदन के सदस्य नहीं हैं तो कैसे बैठे हैं। हालांकि परिषद के सभापति ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत बैठे हैं। इसी बीच विधान परिषद में मुकेश सहनी और राबड़ी देवी में तीखी बहस शुरू हो गई। मुकेश सहनी ने कहा कि लालू ने फोन कर मुझे भी लालच दिया, मल्लाह के बेटे को लालच देकर फंसाया जा रहा था। मुकेश सहनी ने राजद पर अति पिछड़ों की पीठ में खंजर भोंकने का आरोप लगाया। तो वहीं सहनी के आरोप प्रत्यारोप के बीच पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी जबरदस्त पलटवार किया और कुछ राज खोलने की बात कह दी। अब ये राज क्या है ये तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ही जानती हैं। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो उन्होंने विधान परिषद में मुकेश सहनी को कहा कि बैठ जाइए वरना आपका राज खोल दूंगी।